ग्रामर में और इंग्लिश ट्रांसलेशन में यूज होने वाले 100 ऐसे वर्ड और 100 ऐसे वर्ब के बारे में बात करेंगे जिसका इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है, याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना ना ही इंग्लिश ग्रामर बनेगा और ना ही इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा। तो सबसे पहले ए के बारे में बात करेंगे, ए से कितने वर्ड होंगे, पूरे ए टू जेड 100 वर्ड के बारे में बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले पे यहाँ पे हम लोग देखेंगे अराइज, ए सबसे पहले हम लोग देखेंगे अरेस्ट, अरेस्ट मीन्स है ARREST, अरेस्ट, अरेस्ट मीन्स गिरफ्तार करना। सेकेंड नंबर पे अलर्ट, ALERT, अलर्ट, अलर्ट मतलब चेतावनी देना। थर्ड नंबर पे होगा एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब क्या होगा, स्वीकार करना यानी स्वीकारना। फोर्थ नंबर पे क्या होगा अरेंज, ARRANGE, अरेंज, अरेंज मीन्स क्या होता है, व्यवस्था करना, प्रबंध करना, जुगाड़ करना, कोई चीज का जुगाड़ करना उसे व्यवस्था बोलते हैं। फिफ्थ नंबर पे होगा ARISE, क्या पढ़ेंगे इसे, अराइज, अराइज मीन्स उठना। सिक्स नंबर पे होगा ABUSE, इसे क्या पढ़ते हैं, एब्यूज, एब्यूज मीन्स क्या होगा, गाली देना। सेवंथ इंपॉर्टेंट वर्ड होगा ANSWER, इसको क्या पढ़ेंगे, आंसर, यहाँ पे लिखा होगा क्या पढ़ेंगे, आंसर, आंसर मीन्स उत्तर देना। एट नंबर पे पढ़ेंगे ASK, आस्क, आस्क मीन्स पूछना। नाइन्थ नंबर पे होगा ARRIVE, क्या पढ़ेंगे इसको, अराइव, प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे देखिए क्या है, अराइव, अराइव मीन्स पहुंचना, कहीं पहुंचना होता है तो बोलते हैं अराइव। टेंथ नंबर पे क्या होगा एडवाइज, एडवाइज मतलब क्या होगा, ADVISE, क्या पढ़ेंगे इसको, एडवाइज, एडवाइज मीन्स सलाह देना। ग्यारहवा है बियर, BEAR, बेयर, बेयर मतलब क्या होता है, जन्म देना। बारहवा है, ट्वेल्थ नंबर है BEAT, क्या पढ़ेंगे इसे, बीट, बीट मतलब पीटना। थर्टीन है बीकम, मतलब क्या होगा, BECOME, बीकम, बीकम मीन्स होना। फोर्टीन है बिगिन, BEGIN, बिगिन, बिगिन मतलब शुरू करना। फिफ्टीन है BITE, क्या पढ़ेंगे इसे, बाइट, बाइट मतलब क्या होता है, दांत से काटना। सिक्सटीन नंबर है ब्रेक, BREAK, ब्रेक, ब्रेक मीन्स तोड़ना, कोई चीज को तोड़ना है तो क्या बोलेंगे, ब्रेक। सेवनटीन है BURN, क्या पढ़ेंगे इसे, बर्न, बर्न मीन्स जलना या जलाना। एटीन है BLOW, क्या पढ़ेंगे इसे, ब्लो, ब्लो मीन्स बहना। नाइनटीन है BUY, क्या पढ़ेंगे इसे, बाय, बाय मीन्स खरीदना। 20 है BUILD, इसे क्या पढ़ेंगे, बिल्ड, बिल्ड मतलब बनाना, बिल्ड मतलब बनाना। 21 पे है BRING, इसे क्या बोलेंगे, BRING, ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना। 22 नंबर पे है BIND, इसे क्या पढ़ेंगे, बाइंड, बाइंड मतलब बांधना। 23 नंबर पे है BEG, बेग, बेग मतलब भीख मांगना। 24 नंबर पे है BLESS, क्या पढ़ेंगे इसे, ब्लेस, ब्लेस मीन्स आशीर्वाद देना। 25 नंबर पे है CALL, इसे क्या पढ़ेंगे, कॉल, कॉल मीन्स पुकारना, इसे क्या पढ़ेंगे, कॉल, कॉल मीन्स पुकारना। 26 नंबर पे है COME, क्या पढ़ेंगे इसे, कम, कम मीन्स आना। 27 नंबर पे है CLIMB, क्या पढ़ेंगे इसे, क्लाइम, क्लाइम मीन्स चढ़ना, कहीं पे चढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, क्लाइम। 28 नंबर पे है CATCH, क्या पढ़ेंगे इसे, कैच, कैच मीन्स पकड़ना, होल्ड मतलब भी पकड़ना होता है, कैच मतलब भी पकड़ना होता है, कैच, कैच मीन्स पकड़ना। 29 नंबर पे है CUT, कट, कट मीन्स काटना, किसी चीज को कट करना है तो क्या बोलेंगे, काटना। 30 नंबर पे है CLOSE, क्या पढ़ेंगे इसे, क्लॉज, क्लॉज मीन्स बंद करना। 31 है CLEAN, क्या पढ़ेंगे इसे, क्लीन, क्लीन मतलब साफ करना। 32 नंबर पे है CARRY, इसे क्या पढ़ेंगे, कैरी, कैरी मीन्स धोना, अगर किसी चीज को ढोते हैं जैसे प्लास्टिक में बहुत सारा सामान अगर ढोते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कैरी करना, जैसे प्लास्टिक
को अगर कहीं मांगना हो तो उसे क्या बोलते हैं, कैरी बैग। 33 नंबर पे है डील, डी ई ए एल, क्या पढ़ेंगे इसे, डी ई ए एल, इसे क्या पढ़ेंगे, डील। डील मतलब बातचीत करना, किसी से बातचीत करना, किसी से डील करना। 34 नंबर पे है डी आई जी, क्या पढ़ेंगे इसे, देखिए डिग, डिग मतलब क्या होगा, खोदना। 35 नंबर पे है डी ओ, क्या पढ़ेंगे इसे, डू, डू मीन्स क्या होगा, करना। 36 नंबर पे है डी आर ए डब्ल्यू, क्या पढ़ेंगे इसे, ड्रॉ, ड्रॉ मीन्स खींचना। ये कौन सा ड्रॉ होगा, जो हम लोग ड्राइंग करते हैं तो लाइन खींचते हैं ना, वो खींचना होगा। 37 नंबर पे क्या होगा डी आर आई एन के, क्या पढ़ेंगे इसे, ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना, जैसे पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, तो ओ वाला पीना होगा। 38 नंबर पे होगा डी आर आई वी ई, क्या पढ़ेंगे इसे, ड्राइव, ड्राइव मीन्स क्या हो जाएगा, ड्राइव मीन्स हो जाएगा आपका चलाना, या चलाना यानी क्या चलाना, गाड़ी चलाना, अगर कोई भी गाड़ी चलाने की बात हो रहा है, साइकिल चलाने की बात हो रहा है, क्या बोलेंगे, ड्राइव। और ड्राइव मतलब क्या होता, हाँकना भी होता, हाँकना इसलिए होता क्योंकि अगर कोई बैलगाड़ी चलाता है या घोड़ा गाड़ी चलाता है तो क्या बोलते हैं उसे, चलाना ही बोलते हैं, हाँकना बोलते हैं, हाँकना, उसे हाँकता है। उसके बाद 39 नंबर पे क्या है डी आर वाई, क्या पढ़ेंगे इसे, ड्राई, ड्राई मतलब सुखाना, किसी चीज को ड्राई करते हैं तो क्या बोलते हैं उसे, सुखा रहे हैं। 40 नंबर पे है डी आर ई एम, इसे क्या पढ़ेंगे, ड्रीम, ड्रीम मतलब क्या होता है, सपना देखे, जैसे रात में आप सपना देखते हैं वो सपना देखना होता है, ड्रीम मतलब सपना देखना। 41 नंबर पे है ई ए टी, इट, इट मीन्स क्या होगा, क्या खाना। 41 नंबर पे है ई ए टी, इट, इट मीन्स हो जाएगा खाना। 42 नंबर पे है ई एन टी ई आर, इसे क्या पढ़ेंगे, एंटर, एंटर मीन्स क्या होगा, अंदर आना। 43 नंबर पे है ई एल ई सी टी, इसे क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट, इलेक्ट मतलब चुनना, इलेक्शन होता है ना तो चुनते हैं ना उसे, इलेक्ट करना बोलते हैं। 44 नंबर पे है एफ ए डबल एल, क्या पढ़ेंगे इसे, फॉल, फॉल मतलब गिरना। 45 नंबर पे है एफ डबल ई डी, इसे क्या पढ़ेंगे, फीड, फीड मीन्स क्या हो जाएगा, खिलाना। 46 नंबर पे है एफ आई जी एच टी, इसे क्या पढ़ेंगे, फाइट, फाइट मीन्स लड़ना। 47 नंबर पे है एफ आई एन डी, इसे क्या पढ़ेंगे, फाइंड, फाइंड मीन्स क्या हो जाएगा, पाना। 48 नंबर पे है एफ एल वाई, इसे क्या पढ़ेंगे, आधा फर, फलाई, क्या पढ़ेंगे, फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना। 49 नंबर पे है एफ ओ आर जी ई टी, इसे क्या पढ़ेंगे, फॉरगेट, फॉरगेट मीन्स भूलना या बुलाना। 50 नंबर पे है एफ आर वाई, फ्राई, फ्राई मीन्स तलना, फ्राई मीन्स क्या हो जाएगा, तलना, ये भूलना का है, ये फ्राई, एफ आर वाई, फ्राई, फ्राई मीन्स क्या होगा, तलना, और ये भूलना का है। उसके बाद हो जाएगा एफ डबल ई एल, ये क्या है, फील, फील मतलब महसूस करना, महसूस करना कि कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, वो फील हो गया। अब है यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप एक बार में अगर याद नहीं होता है तो आप दो बार देखिए, तीन बार देखिए, कम से कम चार पांच बार इस वीडियो को लगातार देखिएगा तो कुछ चीजें आपको अपने आप याद होने लगेगा। और यहाँ पे क्या है 52 नंबर पे जी ई टी, गेट, गेट मीन्स क्या हो जाएगा, पाना। उसके बाद हो जाएगा जी आई बी ई, क्या होगा, गिव, गिव मतलब देना। उसके बाद होगा जी ओ, क्या पढ़ेंगे इसे, गो, गो मीन्स क्या हो जाएगा, जाना। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसी को मैं यहाँ पे वीडियो में बना रहा हूँ। उसके बाद है जी आर ओ डब्ल्यू, ग्रो, ग्रो मीन्स उपजना या उपजाना। उसके बाद है 56 नंबर पे है एच ए एन जी, इसे क्या पढ़ेंगे, हैंग, हैंग मीन्स लटकाना या लटकना होता है, और एक और हैंग होता है। 57 नंबर पे एच ए एन जी, क्या पढ़ेंगे, हैंग, दूसरा हैंग, इस हैंग मतलब क्या होता है, फांसी देना, एक हैंग मतलब होता है लटकना और एक हैंग मतलब फांसी देना होता है। 58 नंबर पे है एच ई ए आर, इसे क्या पढ़ेंगे, हियर, हियर मीन्स सुनना, हियर मतलब सुनना। 59 नंबर पे है एच ई एल एल पी, इसे क्या पढ़ेंगे, एच ई एल पी, हेल्प, हेल्प मतलब मदद करना, किसी को मदद करते हैं ना बोलते हैं हेल्प। 60 नंबर पे एच आई डी, क्या होगा, हाइड,
एडमिन छिपाना, जिसे हम लोग मोबाइल में कुछ चीज हैड करके रखते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, छिपा के रखते हैं। 61 नंबर पे है एच ए बी ई हैड। हैड मीन्स क्या होता है, रखना या पास में होता है। हैड मीन्स क्या होता है, रखना या पास में। इसको इंग्लिश में भी यूज करते हैं, आई हैव ए पेन, तो क्या बोलते हैं, मेरे पास एक पेन है या मैं एक पेन रखता हूँ, इस तरह से हो जाएगा। 62 नंबर पे है एच आई टी हिट। हिट मीन्स क्या हो जाएगा, चोट करना। जैसे बैट बॉल खेलते हैं ना हम लोग, तो क्या करते हैं, बॉल को हिट करते हैं ना बैट से, तो वो क्या हो गया, चोट करना। उसके बाद एच ओ एल डी क्या होगा, हॉल्ड। हॉल्ड मीन्स पकड़ना। देखिए एक कैच मतलब भी पकड़ना होता है, एक कैच होता है ए सी ए ई सी एच कैच, कैच मतलब भी पकड़ना होता है, एक कैच मतलब भी पकड़ना होता है और एक होल्ड मतलब भी पकड़ना होता है। इन दोनों में डिफरेंस देखिए, अंतर क्या है, ये होल्ड मतलब पकड़ना होता है, जैसे आप किसी का हाथ पकड़ लीजिए या कोई इंस्ट्रूमेंट है मतलब कोई सर्सी वगैरह है, तो उसे जो प्लास होता है ना, प्लास से अगर कोई नट को पकड़ लिए या मार्कर को इस तरह इसको होल्ड कर लिए या फिर हाथ को इस तरह होल्ड कर लिए, तो वो होल्ड हो गया। होल्ड मतलब पकड़ना। कैच मतलब पकड़ना, यानी कोई बॉल फेंक रहा है तो कैच करते हैं ना, लोकते हैं उसको, उसको बोलते हैं कैच करना। तो दूर से फेंक रहा है तो उसको पकड़ते हैं, उसे कैच करना बोलते हैं, और उसको इस तरह से होल्ड करते हैं तो उसको पकड़ना बोलते हैं। 64 नंबर पे है एच यू आर टी, इसे क्या पढ़ेंगे, हार्ट। हार्ट मतलब चोट पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाते हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं, हट करना बोलते हैं। हार्ट मतलब चोट पहुंचाना। 65 नंबर पे एच ओ पी ई, इसे क्या पढ़ेंगे, होप। होप मतलब आशा करना, किसी से आशा करना। 66 नंबर पे जंप, जे यू एम पी जंप। जंप मतलब क्या होता है, उछलना यानी कूदना, जैसे उछलना कूदना होता है ना, शेर लोग क्या करते हैं, कूदना, उछलते हैं कूदते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जंप। जंप करना, छलांग मारना। के डबल ई पी कीप, कीप मतलब क्या होगा, रखना रखना। नो के एन ओ डब्ल्यू क्या होगा, नो, नो मतलब जानना। 68 नंबर पे नो, एनओ नो नहीं समझेंगे, के एन ओ डब्ल्यू नो, नो मतलब जानना। 69 नंबर पे है एल आई वी, इसे क्या पढ़ेंगे, लिव। लिव मीन्स रहना। 70 नंबर पे है एल ई ए आर एन, इसे क्या पढ़ेंगे, लर्न। लर्न मतलब सीखना। 71 नंबर पे है एल ई ए बी, इसे क्या पढ़ेंगे, लिव। लिव मतलब छोड़ना। 72 नंबर पे है एल डबल ओ के, लुक। लुक मतलब देखना, और वाच मतलब भी देखना होता है, सी मतलब भी देखना होता है, देखना का थ्री वर्ड होता है। एल डबल ओ के लुक, लुक मतलब देखना होता है, वाच मतलब भी देखना होता है, और सी मतलब भी देखना होता है। उसके बाद है 73 नंबर पे एल ओ बी लव, लव मतलब क्या होगा, प्यार करना। उसके बाद 74 नंबर पे एल ओ ए सी लूज, लूज मीन्स क्या होता है, खोना, और एक होता है लॉस, एल ओ डबल एस लॉस, लॉस मतलब क्या होता है, हानि होता है, और ये क्या है, लूज, लूज मतलब क्या है, खोना। 71 नंबर पे है एल ई ए पी लिप, लिप मतलब छलांग मारना, छलांग लगाना। उसके बाद है 77 नंबर पे एल ई ए टी, इसे क्या पढ़ेंगे, लीड। एल ई एटी लीड, लीड मतलब नेतृत्व करना, जैसे कोई नेता लोग होते हैं ना, तो किसी को नेता लोग होते हैं, उसके अंदर में बहुत सारे लोग होते हैं, तो क्या नेता लोग समझाता है कि इस तरह से काम करना चाहिए आपको, इस तरह से डायरेक्शन देता है, एक तरह से बताता है कि वो क्या होता है, एक तरह का नेतृत्व करना, लीड करना, उसको लीडर कहते हैं। तो लीड मतलब नेतृत्व करना, किसी को समझाना, किसी को गाइडेंस देना, गाइडेंस। लीड मतलब क्या होता है, एक तरह से गाइडेंस बोल सकते हैं, किसी को गाइड करना, जिस किसी को गाइड करना होता है ना, गाइड, जी यू आई डी, गाइड करना ही क्या बोलते हैं, नेतृत्व करना होता है। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज होता है, लीड मतलब नेतृत्व करना, मतलब गाइड करना किसी को। उसके बाद 78 नंबर पे है एम ए के ई मैक, मैक मतलब बनाना, इसे मेक इन इंडिया बोलते हैं ना, मेक इन इंडिया, इंडिया में बना हुआ, तो मेक मतलब बनाना। उसके 79 नंबर पे एम डबल ए टी मीट, मीट मतलब मिलना। उसके बाद हो गया 80 नंबर पे
MARY, इसे क्या पढ़ेंगे, मेरी। मेरी मीन्स क्या होगा, शादी करना। उसके बाद है 81 नंबर पे MISTAKE, इसे क्या पढ़ेंगे, मिस्टेक, मतलब मिस्टेक से हो गया ना, क्या बोलेंगे, गलती करना। इसका हिंदी क्या होगा, गलती करना। इसे क्या पढ़ेंगे, OPEN, क्या पढ़ेंगे इसे, ओपन, ओपन मीन्स खोलना, इसे किसी को ओपन करते हैं, क्या करते हैं, खोलते हैं। उसके बाद 83 में है PLAY, तो बहुत पॉपुलर वर्ड है, जिसे क्या बोलते हैं, प्ले, प्ले मीन्स खेलना, सबको खेलना पसंद है, क्या बोलते हैं, प्ले। 84 नंबर पे है PUT, क्या होगा, पुट, पुट मीन्स रखना। सिर्फ मैथ बनाते या कुछ भी बनाते बोलते हैं पुट द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू सिक्स, तो क्या करते हैं, ए का मान सिक्स रखने पे या पुट करने पे, पुट करना यानी रखना। 85 में क्या होगा, पे, PAY, पे, पे मतलब चुपका करने से, नेट में देखते हैं मोबाइल में गूगल पे है इस तरह से, तो क्या होता है, पे मतलब चुपका करना, इसी को बोलते हैं मनी पे कीजिए, मतलब चुपका करना, पैसा पे कीजिए। इसको क्या पढ़ेंगे, क्वारल, QUARREL, क्वारल, क्वारल मीन झगड़ना, इससे कोई लेडीज लोग का झगड़ा होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, क्वारल, क्वारल मीन झगड़ना, इसका स्पेलिंग अच्छे से याद रखें, QUARREL, क्वारल, क्वारल मीन झगड़ना। 87 है READ, रेड, रेड मीन्स क्या होगा, पढ़ना, रेड मीन्स क्या हो जाएगा, पढ़ना। उसके बाद 88 नंबर पे क्या है, RID, इसे क्या पढ़ेंगे, राइट, राइट मीन्स क्या हो जाएगा, चढ़ना। उसके बाद 89 पे क्या होगा, RING, इसे क्या पढ़ेंगे, रिंग, रिंग मीन्स बजना या बजाना, इसे घंटी बजाते हैं ना, वो रिंग हो गया। उसके बाद 90 नंबर पे क्या होगा, HEE, इसे क्या पढ़ेंगे, सी, सी मीन्स क्या होगा, देखना, और वॉच मीन्स भी देखना होता है, तो सी मीन्स क्या होगा, देखना, और एक और सी होता है, तो कंफ्यूज नहीं होता है, HEE, सी मीन्स देखना होता है, और एक होता है सी, SEA, स्पेलिंग अलग होता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन एक ही होता है, सी मतलब समुद्र होता है और ये सी मतलब देखना होता है। 91 पे देखेंगे SAY, से, से मीन्स क्या होता है, कहना होता है, ऐसे ही मैं आपसे कहता हूँ, से मतलब क्या होगा, कहना। उसका 92 में क्या है, SELL, इसका मतलब क्या होगा, सेल, सेल मतलब बेचना। उसके बाद 93 नंबर पे SEND, इसे क्या पढ़ेंगे, सेंड, सेंड मतलब भेजना, यानी किसी को मैसेज भेजना, क्या करेंगे, सेंड। 94 नंबर पे क्या है, SWIM, इसे क्या पढ़ेंगे, स्विम, स्विम मतलब क्या होता है, तैरना, जैसे कहीं पे पानी में क्या करते हैं, स्विम करते हैं, स्विमिंग करते हैं, मतलब तैरते हैं। 95 में क्या है, SPEAK, स्पीक, स्पीक मीन्स क्या होगा, सबको पता है, बोलना। 96 नंबर में क्या होगा, TAKE, इसे क्या पढ़ेंगे, टेक, टेक मीन्स क्या होता है, हाथ में लेना, जैसे बोलते हैं आई टेक इट टी, मतलब क्या लेते हैं, हाथ में चाय लेते हैं, तो इसलिए आई टेक इट टी, इसलिए हमेशा टी के साथ टेक लगाते हैं, या फिर आई ड्रिंक इट, आई ड्रिंक आई ड्रिंक टी लगाते हैं, क्योंकि मैं चाय पीता हूँ, या फिर मैं चाय ले हाथ में लेता हूँ, इस तरह से हो गया, टेक मतलब हाथ में लेना। उसके बाद 97 में क्या होगा, TEAR, इसका मतलब क्या होता है, टीयर, टीयर मीन्स क्या होता है, फाड़ना, या फिर टुकड़े टुकड़े करना, टुकड़े टुकड़े किसी का कोई पेन है या कोई भी चीज़ है, कोई पत्थर है, उसको टुकड़े टुकड़े करना है तो क्या बोलेंगे, टीयर, या कोई पेन है उसको फाड़ना है तो क्या बोलेंगे, टीयर। 98 नंबर पे है EARN, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थ, अर्थ मतलब कमाना, क्योंकि हम लोग कमाते हैं, क्यों आने के लिए, तो आज अर्थ मतलब क्या होगा, कमाना। अगर 99 नंबर पे है TEACH, टीच, टीच मतलब क्या होगा, पढ़ाना। देखो रीड और टीच में बहुत अंतर है, रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना, और टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना, जो टीचर पढ़ाते हैं उसको क्या बोलते हैं, टीच, क्योंकि टीचर है, टीच, टीच मतलब टीच, टीचर भी बना सकते हैं, ER जोड़ेंगे, टीच मतलब पढ़ाना और रीड मतलब पढ़ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अंदर, और एक स्टडी होता है, स्टडी मतलब पढ़ाई करना, ये अध्ययन करना, तो ये तीनों को डिफरेंस देख लीजिए, अंतर देख लीजिए, रीड मतलब पढ़ना, टीच मतलब पढ़ाना, स्टडी मतलब पढ़ाई करना, अध्ययन करना। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो इस प्रकार में 100 भारत के बारे में बताया, 100 वर्ड के ऐसे वर्ड के बारे में बताया जो हमेशा इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश ट्रांसलेशन यूज होता है, इसके बिना इंग्लिश अधूरा है, ये सारे वर्ड हमेशा डेली लाइफ में भी यूज होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।
और एक बार में ये याद नहीं होता, कम से कम इस वीडियो को दो बार तीन बार देखिए, वो भी मैं लिख लिख के इसको रिहाइज कीजिए, ताकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए। ये 100 वर्ड हमेशा आपके आसपास इधर उधर घूमते रहेंगे, ये वर्ड हमेशा यूज होते रहता है। तो इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सीधा एक नया मैसेज आएगा, जिससे आप नया वीडियो देख सकते हैं। और इस प्रकार की अगर और वीडियो देखना चाहते हैं, पार्ट बाय पार्ट देखना चाहते हैं, 10-10 वर्ड का देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सेपरेट वीडियो बनाया गया है, जो चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं।